महीने से बेरोजगार हैं, पूरे हिंदुस्तान के जिम खुल चुके हैं, लेकिन श्री अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक हमारे जिम नहीं खोले और एलजी साहब को इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने साथ, और वो हमारी जिम इंडस्ट्री को फुटबॉल बना दिया है। उधर से वो मारते हैं, बंद कर दो, उधर से वो मारते हैं, बंद कर दो, खोलने को राजी नहीं है। केजरीवाल साहब उनको नहीं पता जिम के फायदे क्या होते हैं, कैसे जिम से बीमारियां ठीक होती हैं, डिप्रेशन कम होता है, उसके बावजूद जिम पे क्यों पाबंदी लगाई गई? तालाबंदी जिम पे क्यों है भाई? बंद करने हैं तो वो चीजें बंद करो जिससे सेहत खराब होती है, जिससे सेहत अच्छी होती है वो भी बंद कर रखे आप लोगों ने। भाई बच्चे हमारे भी है, माँ हमारे भी है, हम क्यों सफर करें? अगर आप सफर करवाना है तो उनको लोगों को करवाओ जो नशा बेचते हैं, हम लोगों की सेहत ठीक करते हैं, तो हमें क्यों आप लोगों ने बंद कर रखा है? तो अब हम सारे छूट चुके हैं, अभी हमारी जमानत हुई है। गुरुजी इधर देखिए, और तो कितने घंटे हम गुरुजी रहे अंदर जेल में? 8:15 के करीब हो गए पूरे। आप चुप हो जाओ, क्या नाम? रुको जी, मैं बोलूँगा। 9:15 हो गए, अभी हमको छोड़ा है, जमानत पे छोड़ा हमको। अपने भाइयों को यही समझा रहा हूँ कि सब भाई एकता रखेंगे ऐसी तो आने वाला समय हमारा अच्छे होगा, भविष्य अच्छा होगा, और जिनको हमारे सितंबर में खुलेंगे ही खुलेंगे, तो नहीं खुले तो पूरी इंडस्ट्री के साथ हर तरीके से तन मन धन हर तरीके से हम साथ हैं। मेरी पूरी टीम जो है, पूरी दिल्ली के जिम वाले जो आदमी मेरे साथ आए हैं, वो सारे सब लोगों ने ऊपर बोला कि हम भाई हर तरीके से साथ हैं, आप आगे बढ़ेंगे, पूरी इंडस्ट्री आपके साथ है, जो नहीं आए ना उनके भी साथ हैं हम लोग। और 4 लोग नहीं है, हम 4 लोग नहीं है, हम 4 लोग नहीं है।